हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेला फैशन वर्ल्ड ट्रेंडी फैशन की लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको कोई भी साड़ी अच्छी लगती है, परचेस करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिए साड़ी के पिक के साथ। मेरे वीडियोस में प्राइस डिटेल दिया हुआ रहता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। मैं लेके आई हूँ ऑर्गेन्जा साड़ी का अनबॉक्सिंग। यस, ऑर्गेन्जा साड़ी बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, आजकल वो ट्रेंड में भी है, तो इसलिए मैंने आज आपके लिए लेके आई हूँ सीक्वेंस वर्क वाला ऑर्गेन्जा सिल्क साड़ी। ये ऑर्गेन्जा प्योर ऑर्गेन्जा नहीं है। तो ये देखिए, ये साड़ी का अनबॉक्सिंग मैं करने वाली हूँ। आप आजकल मेरी बेटी को हर एक वीडियो में देखते होंगे, क्योंकि अभी स्कूल्स भी चालू नहीं हैं, सभी ऑनलाइन ही चल रहा है, तो शी वॉन्ट टू बी इन माई वीडियो ऑलवेज। वो वैसे भी मेरी वीडियोज़ में रहती हैं, बट आजकल वो बैठी रहती है शांति से, इसलिए आपको दिखता है। सो हेलो अनवी। तो चलिए हम लोग ये वीडियो का अनबॉक्सिंग करते हैं। बच्चा, ये है ऑर्गेन्जा साड़ी। तो चलिए हम लोग ये साड़ी का अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत ही सुंदर साड़ी है ऑर्गेन्जा। ये सारी पूरी साड़ी एक ही कलर में है, उसके ऊपर आया है ये ब्यूटीफुल सा वर्क, आप देख सकते हैं पूरे साड़ी के ऊपर आएगा। एंड ये ब्लाउज पीस आता है गोल्डन कलर का, सारे कलर्स के साथ ये ही ब्लाउज पीस आएगा। ये ब्लाउज पीस जरी वाला है थोड़ा, आप देखेंगे ब्लाउज पीस 70-80 सेंटीमीटर वाला आता है, एंड टाइप में उसका कपड़ा आएगा, थोड़ा में कपड़ा है। आप दूसरा भी गोल्डन ब्लाउज इसके साथ पहन सकते हैं, गोल्डन ये साड़ी के साथ आता ही है, सारे साड़ीज के साथ। ये तो हो गई ब्लाउज की बात, अभी हम ये ऑर्गेन्जा साड़ी को देखते हैं। ये देखिए, बहुत प्यारा कलर है, सुंदर है ना। सारे साड़ी के ऊपर आप देखेंगे बुट्टीज आती है, पूरा ऑल ओवर ये जो साड़ी है ये ऐसा ही आएगा। देखिए पूरे साड़ी के ऊपर आएगा ये ब्यूटीफुल सा वर्क। एंड जब भी आप ये साड़ी देखेंगे, अगेन ये साड़ी स्टिफ टाइप में है फैब्रिक, एंड पल्लू में पूरा वर्क आता है, स्कर्ट बॉर्डर में आपको हाफ मिलेगा, ऑल ओवर साड़ी में ऐसा वर्क है। देखो ऑल ओवर साड़ी जो है सुंदर, पहनने के बाद बहुत, अगर नाइट फंक्शन है तो आप आराम से पहन सकते हैं ये साड़ीज को। देखो बहुत ही सुंदर दिखती है ये साड़ीज, ये देखिए है ना सुंदर प्यारा कलर पूरे साड़ी के ऊपर, पूरा सीक्वेंस से भरा हुआ। आप इसका अगर किसी को आजकल वो ऑर्गेन्जा लहंगा भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप कुछ गोल्डन ब्लाउज बना के ये साड़ी का लहंगा भी बनवा सकते हैं, या फिर ये साड़ी को लहंगे टाइप भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि ये साड़ी में आप देखो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक वर्क है, इतना सुंदर वर्क आपको कहाँ मिलेगा, इतना सुंदर पूरा साड़ी भरा हुआ है। आप ये साड़ी को लहंगे के टाइप में भी पहन सकते हैं, के साथ गोल्डन वाला बेल्ट जो वेस्ट बेल्ट आता है वैसा भी आप पहन सकते हैं। आप देखो कितना ब्यूटीफुल ये साड़ी, बहुत ही सुंदर लुक देती है, सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप में आती है ये साड़ी, एंड स्टिफ फैब्रिक है, बिल्कुल भी प्लिट्स करने के लिए इजी नहीं है, प्लिट्स करने के लिए आपको थोड़ा दिक्कत होगी, बट स्टाइलिश दिखना है तो थोड़ा हार्ड वर्क, थोड़ी मेहनत तो करना पड़ता है, तो सेम
चीज यहाँ पे भी लागू होगी आपको, ये देखिए सिंगल पल्लू तो ऑलवेज बेटर रहता है ऑर्गेंजा साड़ी के लिए, बट ऐसा नहीं है कि आप ओनली ट्रेडिशनल ट्रेंडी वे में ही पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको ट्रेडिशनल वे में भी पहन सकते हैं। अगर आपके पास गोल्डन ब्लाउज है, आप यहाँ तक जो स्लीव्स आती है 3/4 स्लीव्स, वो भी ये साड़ी के साथ पहन सकती है, अच्छा दिखता है। इवन आप गोल्डन ज्वेलरी पहन सकते हैं, क्योंकि ये साड़ी में पूरे ऊपर जो है वो गोल्डन गोल्डन बुटीज दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेंजा मीन्स आपको स्लीवलेस ही पहनना है या फिर आपको कुछ ट्रेडिशनल वे में पहन नहीं सकते, ऐसा नहीं है। ऑर्गेंजा साड़ी आप नॉर्मल वे में भी पहन सकते हैं। एंड वन और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जब भी आप ऑर्गेंजा साड़ीज पहनते हैं ना, उसके नीचे आप सैटिन का पेटीकोट यूज़ किया करें, सैटिन फैब्रिक में, तो सैटिन फैब्रिक को ऑलरेडी उसका खुद का शाइन रहता है, और फिर ये जो साड़ीज हम पहनते हैं तो उसके ऊपर और सुंदर वो लुक देता है। और मैचिंग भी आजकल बहुत इजीली मिल जाता है, आप अपने बाजार में से भी पहन सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी मिल जाता है शायद से, सैटिन वाला ब्लाउज, सैटिन वाला पेटीकोट। एंड अगर आपको लाइक कुछ नहीं, सभी जो भी मम्मी लोग हैं उनको ये साड़ीज में फुलता है, ये साड़ी जो है वो फुलती है जब भी पहनते हैं ना, तो उसको थोड़ा अच्छे से पिनअप करना है, अच्छे से टाइट करना है, ये साड़ी थोड़ा फूकता ही है, ये साड़ी ऐसे साइड में ऐसे फूलता है, क्योंकि ये फैब्रिक जो है वो सॉफ्ट नहीं है ना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दिखूंगी क्या, तो ऐसा नहीं है, आजकल वो अलग अलग टाइप के पेटीकोट्स भी आते हैं ना, जो लेगिंग्स टाइप में आते हैं, उस फैब्रिक में आते हैं, तो वैसा आप पहन सकते हैं पेटीकोट, इनर जिसको बोलते हैं सारी इनर, वो भी बहुत अच्छा लुक देता है, एकदम फिश कट में आपका शेप दिखता है। बट जनरली अगर हमें पहनना है तो नॉर्मल सैटिन वाला पेटीकोट भी काफ़ी अच्छे सा लुक देगा। ये हाँ, ये देखिए ये साड़ी बहुत सुंदर लुक देती है, जब भी आप उसको पहनते हैं तो वो बहुत ही सुंदर लुक देने वाली है साड़ी, तो बिल्कुल मिस ना करें ये साड़ी को। एंड लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, मैरिज में पहन सकते हैं, फंक्शन में पहन सकते हैं, देखो कितना ब्यूटीफुल दिखता है। तो मिस मत कीजिए, इसके जो भी कलर्स रहेंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, एंड इसका लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं लुक के वीडियो के साथ, इसका जो भी कलर से मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कलेक्शन में आपको भेज दूंगी। ये ब्यूटीफुल ऑर्गेंजा साड़ी है, और थोड़ा जब भी साड़ीज बहुत बहुत ही सुंदर है, जब भी ज़्यादा साड़ीज है ये देखिए लुक को मिल रहा है, ये देखिए बहुत ही सुंदर लुक आपको ये साड़ी देंगी। एंड इसका लुक तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आपकी। तो अगर आपको ये कलेक्शन अच्छा लग रहा है, परचेस करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, ये बेला फैशन पे आप आएगा, तो टेंशन मत लीजिए, इसमें बहुत सारे कलर्स है, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स के ऑप्शन मिलता है, एंड साड़ी भी बहुत प्यारी है। तो इसका वीडियो जो है मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए।
हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ये साड़ी को वेयर भी किया हुआ है। ये साड़ी के साथ गोल्डन कलर का ब्लाउज पीस आया है, बट मैंने ये जो साड़ी पहनी है वो है वेलवेट टॉप के साथ। तो आप साड़ी को टॉप के साथ भी पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर लुक देता है। डार्क मरून कलर का मेरे पास वेलवेट का टॉप था, तो मैंने उसके साथ ही ये साड़ी पेयर किया हुआ है। आप देखेंगे साड़ी कितना अच्छा लुक दे रही है, बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ अलग ब्लाउज पीस इसके साथ डाला है करके। एंड ये साड़ी इसके साथ आप हमेशा ही साटिन का मैचिंग कलर वाला ही पेटीकोट पहने, वो भी फुल लेंथ पहनना है आपको। पूरा जो साटिन का जो पेटीकोट आएगा वो आपको नीचे तक पहनना है। ये देखिए क्लोज व्यू है पूरे साड़ी के ऊपर, ये स्मॉल स्मॉल बुट्टी है जिसमें आपको सीक्वेंस भी लगाया हुआ है, थ्रेड वर्क भी आएगा। कितनी प्यारी दिख रही है ये साड़ी, एंड वेट इसका बिल्कुल भी नहीं है। हाँ थोड़ा सा पल्लू में प्लिट्स करते टाइम डिफ़िकल्टी आएगी, बट मुझे तो ये जो साड़ी है वो सिंगल पल्लू के साथ ही अच्छी लगती है, तो मैंने ये जो साड़ी जो है वो सिंगल पल्लू के साथ डाली है। एंड प्लिट्स में भी नीचे अभी मैंने पिन लगाई हुई है, तो बिल्कुल साड़ी ऐसी फूली फूली नहीं दिखती है, बहुत ही प्यारा लुक आता है। नाइट फंक्शन में तो ये साड़ी परफेक्ट है। आप देखिए वेलवेट ब्लाउज पीस के वेलवेट के ब्लाउज के साथ बहुत ही सुंदर जा रही है साड़ी, एंड साड़ी भी बहुत अच्छा लुक दे रही है। अगर आपको ये कलेक्शन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर है ये साड़ी, क्लोज व्यू आप देख सकते हैं, पूरे साड़ी के ऊपर बुट्टी आएगा तो पूरा साड़ी भरा हुआ आता है, एंड लुक भी बहुत ही प्यारा आता है। इस स्टाइलिंग में मैंने 2-3 लुक जो है वो कैरी किए हैं। ये देखिए ये मेरा सेकंड लुक है जिसको मैंने साड़ी जो है वो लहंगा स्टाइल में पहना है। साड़ी को क्या करना है, आप साड़ी जो है वो प्लिट्स करते करते पूरे पेटीकोट में हम लोगों को बना के स्कर्ट जैसा हम लोगों को वेयर करना है, एंड जो रिमेनिंग पल्लू आता है वो पीछे से हम लोगों को ऊपर से लेना है, तो ये लहंगा स्टाइल में आ जाएगी साड़ी। इसके साथ ये ऐसा लुक आप बहुत ही अच्छे से फंक्शन में कैरी कर सकते हैं, मेहंदी है, हल्दी है, या फिर एंगेजमेंट फंक्शन है वहाँ पे आप आराम से कैरी कर सकते हैं। हेवी ज्वेलरी के साथ आप ये कैरी कीजिए। ये देखिए बहुत ही सुंदर वर्क है साड़ी में, एंड साड़ी को खुद का शाइन है, तो शाइन लुक की वजह से ये साड़ी बहुत ही सुंदर लुक देती है, एंड फंक्शनल भी बहुत अच्छे तरीके से दिखती है। ये देखिए मैंने भी ये साड़ी जो है वो वैसे ही पहनी है, एकदम फंक्शनल है ये साड़ी। यहाँ पे आप नॉर्मल हमारा जो इसके साथ आया हुआ ब्लाउज जो है वो बना के भी पहन सकते हैं ट्रेंडी वे में, बट मैंने तो ये वेलवेट के टॉप के साथ ही पहना हुआ है, जूड़ा बस मैंने बनाया है। एंड हेवी ज्वेलरी आप पेयर कर दीजिए, बहुत ही सुंदर लुक आएगा आपके फंक्शन के लिए। और भी आप जो है बेल्ट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपका जो आगे का पल्लू है वो यहाँ वहाँ मिस नहीं होगा। एंड ये साड़ी देखिए बहुत इजी है कैरी करने में, तो प्लीज़ आपको लगता है आप कैरी नहीं कर सकती है तो बेल्ट आप ज़रूर, वेस्ट बेल्ट जो है वो आप ज़रूर पहने, तो आपकी साड़ी जो है वो स्टिप रहेगी, मैनेज रहेगी। बहुत ही सुंदर साड़ी है ये, ऑर्गेंजा साड़ी है, ऑर्गेंजा सिल्क साड़ी जिसके ऊपर ये बुट्टी वर्क आता है, टिकली वर्क जिसको बोलते हैं, एंड थ्रेड वर्क के साथ आपको ये साड़ीज मिलती हैं। एकदम परफेक्ट मैचिंग आपको साटिन का ब्लाउज भी पढ़कर लेना है, पेटीकोट लेना है, और वो भी फुल लेंथ, तो साड़ी जो है वो और अच्छे से आपको लुक देने वाली है। बहुत ही सुंदर कलेक्शन है ये, देखिए ये मेरा तीसरा लुक है जिसमें मैंने टॉप एंड स्कर्ट टाइप में ये साड़ी को वेयर किया हुआ है। आप इसके साथ भी कोई दूसरा दुपट्टा है, बनारसी वगैरह दुपट्टा इसके साथ कैरी कर सकते हैं, या हेवी नेट वाला दुपट्टा भी इसके साथ मैचिंग में आप कैरी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कैरी नहीं किया है, मैंने जस्ट स्कर्ट वाला लुक आपको शेयर किया है। जो भी साड़ी है उसको मैंने प्लिट्स में प्लिट्स के तरीके से पूरे राउंड किया हुआ है, पेटीकोट में मैंने स्टिच अंदर से उसको फिट किया हुआ है, एंड आप भी वैसे ही कीजिए। एंड देखो लुक बहुत ही प्यारा आता है, जिनको पल्लू भी नहीं संभालना है, जिनको बेल्ट भी नहीं लगाना है, ये ऐसा लुक आप कैरी कर लो, बहुत ही अच्छा दिखेगा ये। और ये भी आप फंक्शनल
या पार्टी के लिए आराम से ऐसे लुक कैरी कर सकते हैं। प्लिट्स प्लिट्स करके पूरे राउंड में आपके यहाँ पे ये स्टिच कर लो या फिर फिट कर लो अच्छे से, तो ये लुक आपका बन जाता है। बहुत ही सुंदर साड़ीज है। अगर आपको ये लुक अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारा कलेक्शन अपलोडेड है, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके कलर्स एंड जो भी डिस्क्रिप्शन है वो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, उस पर आप उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप ज़रूर से देख लेना। आपको ये मेरे लुक्स कैसे लगे, आपको ये कलेक्शन कैसे लगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट।